मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, हमारे महल के करीब आ गया कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाय द्वारपाल मुझ पर दया करो भाई, बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका पाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी शक्ता करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली छलक रही है, और कहां महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। ताले ताले ताले। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण होठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र है तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगे, अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है, क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे। ऐसे करो तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप है, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा मैं ही जाता हूँ।
बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। सुनो जी, आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को। रुक क्यों गए, आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा, सुदामा? मेरा बांस का सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। ताले 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 जोर ताले। नाथ पत्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी स्वामी कृष्ण भगवान आए हैं। शर्माना कैसा, चले आओ। रुक्मणी रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे ना होगा। ये द्वारकाधीश मैं निर्धन बदनसीब आपके चरणों में पड़ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। Yeah.
Oh,